सम्राट को वे नीलगिरी के वृक्ष नजर आने लगते हैं। उस जंगल में काफी सन्नाटा रहता है। सम्राट अपने घोड़े को धीरे धीरे चलाकर चारों ओर उस तपस्वी पर नजर मारते रहता है, लेकिन एक जगह जाकर सम्राट अपने घोड़े को रोक देता है। फिर वह देखता है उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। ध्यान में होने के कारण सम्राट उस तपस्वी के पास में खड़ा हो जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। सम्राट कुंभा, कभी हार ना मानने वाले महाराजाओं में से एक, आप कैसे हैं? उस तपस्वी को प्रणाम करके सम्राट कहते हैं, स्वामी जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अगर आप मेरे बारे में इतना जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं किस समस्या के लिए आपके पास आया हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। सबसे पहले तुम पास में बह रही नदी किनारे अपनी तलवार को डुबाकर आ जाओ। सम्राट को उस तपस्वी की ये बात सुनकर बड़ा अचंभा लगता है, लेकिन सम्राट उस तपस्वी की बात मानकर शीघ्र नदी किनारे जाता है और अपनी तलवार को नदी में डाल देता है। उस तपस्वी के पास पहुंचकर सम्राट कहते हैं, स्वामी जी अब आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। तुम्हारी समस्या का समाधान कोई और नहीं, तुम्हारा स्वयं का पुत्र है। सम्राट ऐसा सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, ये कैसे संभव है? तुम्हारे पुत्र को ये बीमारी जन्म से नहीं है। यानी स्वामी जी किसी ने मेरे पुत्र को बीमार किया है, लेकिन क्यों? सम्राट कुंभा, ये तुम्हारे अतीत का परिणाम है। अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने कोई गलती तो की है। तो स्वामी जी इसका समाधान शीघ्र बताइए। इसका समाधान असंभव से कम नहीं है। वो सम्राट ही क्या जो अपनी प्रजा के लिए असंभव कार्य भी स्वीकार न कर सके। ऐसा सुनकर स्वामी जी उस समस्या का समाधान वे सम्राट को विस्तार से बताते हैं, जिसमें वे आने वाली समस्याओं से अवगत कराते हैं और वे ये भी बताते हैं, सम्राट तुम जिस रास्ते से आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वह रास्ता वापस आने के लिए बंद होता जाएगा। वहाँ की दुनिया यहाँ की दुनिया से बहुत अलग है। उस दुनिया से बाहर आने के लिए सम्राट तुम्हारा साहस और तुम्हारी सूझबूझ ही काम आएगी। सम्राट को उनकी मंजिल तक पहुँचाने और वहाँ से लौटने तक का स्वामी जी पूरा रास्ता बता देते हैं। फिर स्वामी जी उस सम्राट से वही तलवार नदी में से निकाल कर लाने को कहते हैं। स्वामी जी उस तलवार पर जल छिड़क कर अपने हाथों से पूजा करते हैं और कहते हैं, तुम इस तलवार का उपयोग तभी करना जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तलवार अगर एक बार बाहर निकल गई तो बिना खून पिए मयान में नहीं जाएगी। सब कुछ जानकर सम्राट स्वामी जी को प्रणाम करके अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं।